हेलो एवरी वन गुड मॉर्निंग वेलकम वेलकम बैक टू माई चैनल मेडिकॉर्स पॉइंट आई होप यू आर डूइंग गुड सो यू आर वॉचिंग अनदर स्टडी ब्लॉग सो टाइम हो चुका है सुबह के सात बजे एंड यू नो वट आज से ना मेरी वेकेशन स्टार्ट हो गई है सो वी गॉट अ लीव ऑफ फाइव डेज फ्रॉम फिफ्टीन टू नाइनटीन बिकॉज फिफ्टीन को इंडिपेंडेंस डे है सिक्सटीन को हमें छुट्टी कर दी सेवेंटीन इट वॉज सैटरडे एटीन इट वॉज संडे एंड नाइनटीन को है रक्षाबंधन तो इसीलिए वी गॉट फाइव हॉलीडेज़ तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ आज पहला दिन है एंड मैंने सोचा है कि इन पाँच दिनों को बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाऊँगा एंड वही आज से शुरुआत करते हैं तो सुबह के सात बज रहे हैं मैं लिख रहा हूँ अपनी टू डू लिस्ट एंड सबसे पहले मैं शुरू कर रहा हूँ विद बायोलॉजी बिकॉज मेरा जो टेस्ट था ऑन एटीन वो अभी शिफ्ट हो चुका है टू ट्वेंटी फोर बिकॉज ऑफ दीज हॉलीडेज़ तो वो ट्वेंटी फ़ोर को शिफ्ट हो चुका है तो अभी मेरे पास थोड़ा और टाइम आ गया है पढ़ने के लिए तो मैं अभी टेस्ट का तो नहीं पढ़ रहा हूँ सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूँ मॉलिक्यूल्स जो अभी क्लास में चल रहा है पहले उसको रिवाइज़ कर लेता हूँ फिर उसके बाद मैं करूँगा प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस वाला चैप्टर एंड देन उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस सो यही मेरा अभी मॉर्निंग का शेड्यूल है उसके बाद देखते हैं दिन में क्या जाता है सो so, अभी टेस्ट जो 24 को शिफ्ट हो गया है एंड हमारा जो अभी टेस्ट हुआ था दैट वाज होम असाइनमेंट जो घर से ही देना था उसका बायो का तो मैंने आपको स्कोर बता दिया था इट वॉज थ्री फिफ्टी आउट ऑफ थ्री सिक्सटी एंड फिजिक्स केमिस्ट्री तब मैंने नहीं की थी अब अटैम्प्ट कर ली है सो so, मेरा स्कोर सिक्स uh, हंड्रेड प्लस बन रहा है इट वॉज़ अराउंड सिक्स ट्वेंटी सेवन और सिक्स थर्टी सेवन ऐसा कुछ था तो ऐसा स्कोर बन रहा है उसमें एंड इट इज़ अ ओके ओके स्कोर लाइक आई वॉज एक्सपेक्टिंग मच बिकॉज इसमें चैप्टर एक एक था जो ट्वेंटी फोर वाला टेस्ट है उसमें फिजिक्स के भी तीन चैप्टर आ रहे हैं केमिस्ट्री के दो आ रहे हैं एंड बायो का एक एक आ रहा है तो अराउंड तीन चार पाँच छः सात चैप्टर के अराउंड आ रहे हैं इस टेस्ट में तो देखो यार मैं इतना अच्छे से तो प्रिपेर नहीं हूँ बिकॉज जो बैकलॉग एक बार हो जाता है ना बिकॉज मैंने एक हफ्ता क्लासेस जो लेट ज्वाइन की थी उसमें यूनिट एंड डिमेंशन एंड मेरा मोल कॉन्सेप्ट थोड़ा छूट गया था तो ऑब्वियसली उसमें थोड़ा प्रॉब्लम आएगा बट इट्स ओके अभी छुट्टियां हैं तो आई कैन मैनेज मैं कर लूँगा उसको कवर अप बट या yeah, अभी का काम हो चुका है मेरा मैंने दोनों चैप्टर रिवाइज़ कर लिए नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टास्क दैट इज़ क्वेश्चन प्रैक्टिस ऑफ दिस चैप्टर्स तो मैं आपको अपने नोट्स दिखा देता हूँ सो दीज आर माई नोट्स ऑफ बायोमोलिक्यूल्स एंड चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टास्क तो डी पी पीज़ वगैरह तो मैं क्लास के साथ कर ही लेता हूँ बट एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आज मैं यूज़ कर रहा हूँ दिशा पब्लिकेशन की थ्री सिक्सटी एन सी आर टी बायोलॉजी दैट इज़ अ चैम्पियन बुक फॉर क्वालिफाइंग नीट टू थाउजेंड ट्वेंटी फाइव

तो मैं इसके कुछ फीचर्स आपको बता देता हूँ तो इसमें हर एक चैप्टर ना दो पार्ट्स में डिवाइडेड है वन इज़ द थ्योरी जो कि आपकी होती है एंड हर चैप्टर में आपको माइंड मैप भी साथ में मिलता है तो थ्योरी और माइंड मैप तो हो गया एंड सेकेंड पार्ट इज़ योर क्वेश्चन जिससे अटैम्प्ट करके आपका चैप्टर लाइक हंड्रेड परसेंट डर्न हो जाएगा एंड देर आर ऑलमोस्ट फाइव टू सिक्स एक्सरसाइज ऑफ ईच चैप्टर जो कि आपको कंप्लीट करनी है एंड दे आर गिवन विद द सोल्यूशन एंड हिंट्स एंड ईच चैप्टर इन दिस बुक कंटेन्स ट्रेंड एनालिसिस विद द डिफिकल्टी लेवल लाइक इससे आपको पता चलेगा कि कौन से ईयर में उस चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं then we have the mind maps fill in the blanks ncrt based topical practice exercises ncrt exemplar new pattern question jisme aapko statement wise assertion reason question milenge which is very important because wo aapko ek alag section mein milte hain because एक दो assertion reason प्रैक्टिस करना is not at all sufficient वो आपको एक section में मिलते हैं तो आपको अच्छे से practice हो जाते हैं एंड इसमें एक और चीज़ भी है लाइक द नीट पी वाई क्यूज आर कवर्ड इन वन लाइनर थ्यूरी जैसे ये लाइन लिखी हुई है इसके नीचे लिखा हुआ है कि ये लाइन से क्वेश्चन इस ईयर में पूछा गया था विच इज़ अ वेरी गुड थिंग लाइक इससे आपके पी वाई क्यूज एंड रीडिंग दोनों इकट्ठी हो जाती हैं एंड देर इज़ वन मोर सेक्शन दैट इज लर्न बियॉन्ड एन सी आर टी लाइक दिस सेक्शन इज़ गिवन विद ईच टॉपिक ऑफ एडिशनल की इन्फॉर्मेशन टू योर स्कोर तो ये हर चैप्टर में आपको थोड़े थोड़े कुछ कुछ जगह पे मिलेंगे एंड दिस बुक इज़ वेरी ऑथेंटिक एररलेस एंड कम्प्लीटली सॉल्यूशन इसके गिवन है आपको बुक में ही सो दिस बुक हैज़ एवरी थिंग विच अ नीट एस्परेंट नीट स्कोर थ्री सिक्सटी वन थ्री सिक्सटी इन बायोलॉजी तो मैंने तो ऑर्डर कर दिए आप लोग भी ऑर्डर कर दो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा सो गो एंड चेक इट आउट नाउ सो मैंने अपना ब्रेकफास्ट किया उसके बाद नहा धो के रेडी हो गया बट हाँ आई रिमेंबर वन थिंग जब मैं छोटा होता था ना लाइक वैसे तो अब भी वैसा ही करता हूँ बट तब मैं टी वी तारक मेहता देखता था जो अपनी वीडियोकॉन की डिश थी उस पर एंड उस पर जिस दिन जो भी वो होता था क्या कहते हैं कोई ओकेजन होता है जैसे इंडिपेंडेंस डे रक्षाबंधन दिवाली तो वही एपिसोड आते थे तो मैंने सोचा वही मोमेंट को रिलिव करते हैं तो मैंने इंडिपेंडेंस डे वाले एपिसोड ही आज तारक मेहता के मैं देख रहा था एंड या uh, yeah, उसके बाद मैंने अपनी पढ़ाई शुरू की सो दिस इज़ अ टेस्ट फॉर विच आई वॉज़ टॉकिंग अबाउट वैसे मैंने शॉर्ट्स में इसका डाल दिया था कि मैंने अटैम्प्ट किया है बट हाँ ये रहा वो टेस्ट जो कि मैंने अटैम्प्ट किया था और जिसका स्कोर वगैरह मैंने अभी आपको बताया बट हाँ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक नाउ अभी कुछ काम करना शुरू करते हैं लाइक पढ़ाई करना शुरू करते हैं आपको चाहे ना सारा कुछ आता हो बट अगर आपको एक भी टॉपिक एक चैप्टर का मिस लगता है ना तो आपको ऐसा ही लगता है कि उसी में से सारा पेपर आएगा एंड मेरा वो गलत चला जाएगा अभी मुझे वही डर लग रहा है तो मुझे वो चीज़ें अभी जल्दी से कंप्लीट करनी पड़ेंगी बट करेंटली आई एम मेकिंग अ टू डू लिस्ट एंड सुबह वाली जो बनाई थी उसमें मैंने सिर्फ सुबह का लिखा था कि अभी मुझे ये करना है ये करना है बट सारे दिन का नहीं लिखा था तो आई जस्ट मेक अ टू डू लिस्ट वंस एंड फिर मिलता हूँ आपको तो टू डू लिस्ट वगैरह लिख के मैं अभी अपना पढ़ाई शुरू करूँगा बट उससे पहले आ, मैं अभी किसी से बात कर रहा था एंड फिर मेरे ख्याल आया कि मैं एक यूट्यूब अभी पाँच दिन की छुट्टियां हैं ऑब्वियसली तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं कुछ व्लॉग बना दूँ जो कि मेरे टेस्ट के टाइम पे काम आ जाएंगे मैं तब अपलोड कर दूँगा तो उसी की अभी कुछ प्लानिंग कर रहा था मैं अपनी डायरी में लिख रहा था कि कौन से कौन से टॉपिक पे लाइक आपके जो क्वेश्चन होते हैं एंड यू नो आई एम मेकिंग शॉर्ट्स एवरी अगर आप नहीं देख रहे हो तो यार लाइक like, नहीं देख रहे हो मुझे पता चल रहा है बट क्यों नहीं देख रहे हो यार जल्दी से जाओ अभी मेरी शॉर्ट्स देखो एंड आई थिंक आपने बेल आइकन नहीं दबाया हुआ है सब्सक्राइब करके बिकॉज़ बारह हज़ार से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं एंड व्यूज़ का हैं तो यार आपका एक व्यू एक लाइक एक कमेंट एक सब्सक्राइब आप कुछ भी करते हो ना उससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है टू तो क्रिएट कॉन्टेंट एंड मैं ट्राई करता हूँ कि मैं अच्छा कॉन्टेंट दे पाऊँ बट बिज़ी ही इतना हो जाता हूँ कि प्रॉब्लम हो जाती है तो अभी प्लान वगैरह तो कर लिया है अभी अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं मैं अभी रिकॉर्ड नहीं करूँगा फ़ोन को साइड में रख दूंगा बिकॉज़ इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट डिस्ट्रैक्शन तो फिर मैं पढ़ाई के बाद ही आप लोगों को मिलता हूँ सो आई जस्ट कम्प्लीटेड माई स्टडी सेशन एंड उसके बाद अभी मैं लंच करने आया हूँ नीचे तो फिर मैं ऊपर जाके मुझे कुछ शूट करना है तो मिलता हूँ तो जब भी मुझे कुछ बोलना होता है या वॉइस रिकॉर्ड करनी होती है ना तब मैं ए बंद कर देता हूँ बिकॉज़ उसकी आवाज़ आती है बीच में एंड पंखा तो मेरा दो नंबर पे ही होता है तो अभी मैं उसका ही वेट कर रहा था ताकि वो बंद हो एंड मैं बोल सकूँ तो गाइफ अभी ना मैंने जस्ट एक शॉर्ट शूट किया लाइक हाउ टू वेक अप अर्ली वाला रुको मैं आपको दिखाता हूँ वैसे आपको मिल भी जाएगा मतलब मैंने डाला था आज अभी डाल भी दिया है तो दो मिनट साउंड ऑफ कर लेता हूँ मल्ले ये वाला तो पता है इसमें ना मुझे इतनी ज्यादा मेहनत लगी है मैंने फर्स्ट टाइम ऐसा वाला शॉर्ट ट्राई किया है लाइक अपने फेस के साथ शूट करना बिकॉज यूजुअली मैं वॉइस ओवर ही करता हूँ बट मैंने फर्स्ट टाइम ऐसा फेस वाला ट्राई किया तो मुझे बताना कि आपको कैसा लगा लाइक मेहनत थोड़ी ज्यादा लगी है बट आई थिंक इट वॉज वर्थ इट मुझे तो काफी सही लगा एंड ऐसे ही और शॉर्ट्स मैं ट्राई करता रहूंगा एंड बनाता रहूंगा तो हाँ अभी मैं यही काम कर रहा था शाम के बज चुके हैं छः बज के दस मिनट तो अभी अपना आगे का काम स्टार्ट करते हैं एंड मिलता हूँ आपको तो मैं इतना कैमरा कॉन्शियस वगैरह तो नहीं हूँ बट हाँ थोड़ा इंट्रोवर्ट हूँ इसलिए कैमरा पे बोल नहीं पाता हूँ बट हाँ आज मैंने ट्राई किया टू तो गेट आउट ऑफ माई कम्फर्ट जोन एंड मुझे तो रिजल्ट काफ़ी पसंद आया बट हाँ चलो ऐसी वीडियोज़ और भी बनाएंगे एंड अभी मैं जा रहा हूँ थोड़ी सी वॉक करने छत पे ही एंड उसके बाद फिर मैंने स्टार्ट कर दिया एक और स्टडी सेशन बिकॉज बाहर मौसम इतना अच्छा हो रखा है लग रहा है कि एक दो दिन में बारिश हो जाएगी बट चलो देखते हैं एंड नाउ आई वॉन्ट टू आंसर द क्वेश्चन कि वाई आई एम अपलोडिंग व्लॉग्स टू लेट बिकॉज ये लास्ट व्लॉग मैंने 10 दिन 11 दिन पहले डाला था एंड अभी ये ब्लॉग आ रहा है तो मैं बताता हूँ जैसा कि मैंने पहले बताया कि पांच छुट्टियाँ थी व्लॉग्स तो बने थे एंड मैंने पर डाले क्यों नहीं सो देर आर सम रीज़न बिहाइंड दैट तो देखो पहले तो जो कोलकाता केस था उसकी वजह से आई वॉज़ नॉट फीलिंग टू जस्ट अपलोड अ व्लॉग तो इसलिए मैंने नहीं किया एंड उसके बाद ऑन 16th मैं घूमने गया था बाहर जिसका ब्लॉग आपको नेक्स्ट मिल जाएगा एंड उसके बाद ऑन 17th मेरे छोटे नानू हैं जो उनकी डेथ हो गई थी एंड वी हैव टू गो देयर तो मैं अपने नानी के घर गया हुआ था एंड लाइक आई वॉज नॉट फीलिंग टू शूट अ व्लॉग और जस्ट एडिट अ व्लॉग इसलिए मैं नहीं कर पा रहा था एंड आफ्टर दैट मेरे क्लासेस थे जिसमें मैंने एक दिन की छुट्टी ली थी एंड उसमें भी मेरी मासी की सर्जरी थी तो दर वर सो मेनी थिंग्स दैट वर गोइंग ऑन एंड इसकी वजह से मैं ब्लॉग एडिट ही नहीं कर पा रहा था अपलोड करना तो दूर की बात है एंड यू नो वॉट जब भी मैं ब्रांड प्रमोशन करता हूँ तो उसके लिए हमें परमिशन भी लेना होता है कि क्या एवरी थिंग इज़ ऑल राइट और नॉट तो उस उसमें भी टाइम निकल जाता है ना तो इसलिए थोड़ा हॉच पॉच हो रहा था सब कुछ एंड आई वाज नॉट एबल टू अपलोड द एंड यार इतने सब में मैंने व्लॉग्स तो मेरे पास अभी चार बन रखे हैं लिटरली बताऊं तो व्लॉग्स अभी मेरे पास चार बन रखे हैं बट वही ना एडिट नहीं हुए थे बट नो वरीज अभी मैं अभी मुझे छुट्टियाँ हैं जैसे मैंने बताया कि फ्राइडे को मैं छुट्टी खुद कर लूँगा जो कि आज जिस दिन ये ब्लॉग आएगा देन सैटरडे को मेरा टेस्ट है संडे को छुट्टी है तो मेरे वो सारे ब्लॉग्स एडिट हो जाएंगे इन दीज थ्री डेज़ एंड उसके बाद फिर मैं वो अपलोड करता रहूँगा एक एक ऑल्टरनेट डेज पे या फिर जैसा भी होगा बट हाँ दिस वॉज अ रीज़न जो कि मैंने आपको बताया आई होप यू गाइज कैन सपोर्ट इट एंड शॉर्ट्स मैं डेली डाल रहा हूँ बिकॉज़ वो एडिट वगैरह करनी ईजी होती हैं तो इसलिए बिकॉज दे जस्ट टेक फाइव टू टेन मिनट्स टू एडिट बिकॉज मेरी कुछ ऐसी अलग सी एडिटिंग नहीं होती है आई एडिट इन अ वेरी वेरी सिंपल वे जितना सिंपल हो पाया बिकॉज अभी यार टाइम नहीं है आई हैव टू फोकस ऑन माई स्टडीज़ एज वेल तो मैं इतना धासु एडिट नहीं कर सकता एंड वो मुझे बिल्कुल अच्छा भी नहीं लगता दैट इज़ जस्ट अ मीम और समथिंग वो वो इतना अच्छा नहीं लगता आई लाइक इट अस्थेटिकली तो या दैट इज द रीज़न बिहाइंड दैट आई होप यू गईज कैन अंडरस्टैंड दैट बट एनी वेज़ कीपिंग दैट ऑल अ साइड तो आज घर में बनी थी खीर बिकॉज़ फ़िफ्टीन ऑगस्ट था वैसे 15 अगस्त के लिए नहीं बनी थी वैसे ही बनी थी एंड मैंने वो फ्रिज में रखी हुई थी बिकॉज मुझे ठंडी खीर खाना ना बहुत पसंद है तो या हेयर इज़ माई खीर एंड डिनर मेरा हो गया है डिनर में मैंने ज़्यादा नहीं खाया बिकॉज़ आई वॉन्टेड टू ईट खीर तो चलो अभी अपनी खीर खाते हैं एंड उसके बाद मैं सो जाऊँगा आज जल्दी बिकॉज़ मतलब जल्दी सोऊंगा नहीं कोई मूवी एंड ऑल देख लूँगा बट हाँ एनी थिंग बिकॉज अभी छुट्टियाँ यार आई हैव टू इंजॉय अ लिटिल बिट बिकॉज सच अक्टिक वीक इट वॉज बिफोर तो चलो दिस वॉज इट फॉर टू डेज़ ब्लॉग आई होप यू गाइज़ इन्जॉयट इफ यू डिड डोंट फॉर गेट टू इट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब सो बाय मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में